हाँ रुकैया। हेलो पापा, आप लोग पहुंच गए हॉल में? नहीं नहीं, बस कुछ देर में पहुंच रहे हैं। अच्छा, नहीं हम लोग तो निकल चुके हैं, बस हॉल में पहुंचने ही वाले हैं। आप लोग भी पहुंच जाएं। ठीक है, तुम लोग पहुंचो, हम लोग आ रहे हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। आ रही हैं। देखो मैं इनकार नहीं सुनूंगा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और हाँ, गुलनाज और दुर्दाना से भी कहना कि वो भी तैयार हो जाए, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ओके। ये आप क्या कह रही हैं आपा? हम शादी में ना हैं? हाँ फहमीता, तो अगर हमें शादी में आने से मना करना था तो फिर ये कार्ड क्यों दिया है? भाई कार्ड तो मुझे देना था ना, अगर मैं तुम्हें कार्ड ना देती तो लोग क्या कहते कि तुम्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया? तो मैं शादी में ना आने का क्या बहाना बनाऊंगी? समझने की कोशिश करो फहमीता, गलती तुम्हारी है, तुम्हें दुर्दाना को बताना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें याद है ना, हमारे दरमियान यही तय हुआ था कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, मगर फिर भी दुर्दाना को तुमने सब कुछ बता दिया और उसने हाजरा आपा को फोन करके कह दिया कि वो सब जान। ये तो अच्छा हुआ कि अमजद से उसकी बात नहीं हुई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। शादी वाले दिन अगर दुर्दाना ने वहां लोगों के दरमियान कोई हंगामा कर दिया तो? हाँ उस्मान, क्या बना? हो गया इंतजाम? और मौलवी साहब? वेरी गुड। बस तुम एक काम करो, तुम इन सबको गाड़ी में बिठा के ना शादमान चौक पहुंचो। अरे हाँ हाँ, मेरा ही निकाह है क्या? अमजद के वलीमे पे मेरा निकाह नहीं पढ़ा जा सकता? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। अरे आ रहा हूँ ना, बाकी सवालों का जवाब वहां दे दूंगा, तुम जल्दी करो। ओके। हेलो। हेलो, हाँ फहमीदा, तुम तैयार हो ना? नजीब, वो गुलनाज और दुर्दाना दोनों की तबीयत बहुत खराब है। सो गई है? तुम्हें उन्हें ऐसी हालत में छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकती। अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, मैं मौलवी साहब को लेकर आ रहा हूँ, हम निकाह आज ही पढ़वाएंगे। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं नजीब, नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते, मेरी बात समझे, आप यहाँ नहीं आ सकते। क्या हो गया तुम? अरे मैंने सारा इंतजाम कर लिया, मैं कुछ देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ, बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे ठीक है, मैं वहां पहुंचकर तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ, बस अभी तुम तैयार हो जाओ प्लीज। नजीब, अपनी बेटी की जिंदगी
कौन है ना अम्मी? बताओ मुझे! आप कह क्यों नहीं देती हैं? कह क्यों नहीं देती हैं आप? क्या आपने अपने और नजीब खालू के ताल्लुक को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना दिया है? तुम ये बात शायद भूल रही हो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान मुआहिदा हो चुका है कि जिस दिन अमजद का वलीमा होगा उसी दिन मैं फहमीदा से निकाह करूंगा। खुदा के लिए आज के दिन तो रुक जाओ, कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी नजीब अहमद, खुद दुल्हन बनाऊंगी उसे तुम्हारे लिए, बस तुम आज के दिन रुक जाओ। अरे जो औरत अपने सगे बेटे के साथ इतना बड़ा हाथ कर सकती है वो अपने शौहर के साथ क्या कुछ नहीं करेगी। मैं फहमीदा से आज ही निकाह करूंगा। आपा, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अरे नहीं रुकैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। आप आए मेरे साथ। बताएं ना आपा क्या हुआ, और नजीब भाई नहीं आया अभी तक, कहाँ है वो? रुकैया, नजीब अहमद नहीं आएगा। क्यों, वो क्यों नहीं आएंगे? कोई झगड़ा हुआ आपसे उनका? नहीं रुकैया, झगड़ा तो कोई नहीं हुआ, यूं समझो कि आज सारे झगड़े खत्म हो गए। क्या मतलब है आपा, क्यों पहेलियां भुजवा रही हैं? साफ साफ बताए ना क्या बात हुई है, कहीं खुदा ना खास्ता। नहीं रुकैया, तुम परेशान मत हो, तलाक नहीं दी उसने मुझे, लेकिन उससे भी बड़ा घाव दिया। क्या? तो कहिए, तुम्हें याद है ना तुमने अमजद की सालगिरह पे कहा था कि तावीज धागों का असर भी कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाता है। उस वक्त तो मैंने तुम्हारी बात पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन तुमने ठीक ही कहा था, तावीज़ धागों का असर ख़त्म ही हो जाता है। नजीब अहमद गया है फहमीदा से निकाह करने के लिए। तुम इस कदर हैरान क्यों हो रही हो? बंदा अगर नजीब अहमद जैसा मुस्तकिल मिजाज हो ना तो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाता है। 15 साल मेहनत की है उसने, उसे उसकी मेहनत का फल तो मिलना ही था। इतनी बड़ी बात हो गई और आप इतने आराम से खड़ी हैं? रुकैया, तुम्हें लगता है मैं आराम से खड़ी हूँ? मेरे दिल में इस वक्त तूफान मचा हुआ है, लेकिन हैरत तो मुझे फहमीदा पे है। अख्तर जैसे अच्छे इंसान के बाद उसने नजीब अहमद को चुना, कितना मायार गिर गया है उसका। अच्छा खैर, तुम परेशान ना हो, तुम जाओ बच्चों के पास, मैं ऐसे खुशी के मौके पे कोई बदमजगी नहीं चाहती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा बिल्कुल परेशान ना हो, हम मिलकर ज़रूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मसला तो आज हल हो गया रुकैया, मैं नहीं जानती थी कि औरत के दिल से शौहर की दूसरी शादी का खौफ निकल जाए ना तो ज़िंदगी इतनी पुरसकून हो जाती है। तुम मेरे लिए परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाओ बच्चों के पास जाओ, मैं खाने का पकाऊँ, जाओ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, हाजरा परवीन को कमजोर समझने की कभी गलती मत करना। अपने शौहर के साथ तुम्हें गाड़ी में घूमते देखकर मैं चुप रही हूँ फहमीदा, लेकिन अब भी अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना फहमीदा, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम किसी और को तो क्या खुद भी आईना नहीं देखोगी। Thank you.
से दरवाजे पे दस्तक दे रहा हूँ। कहाँ थी तुम? वो मैं कमरे में थी। अच्छा ठीक है, मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाता हूँ, तुम अंदर जाओ। कौन लोग हैं आपके साथ? बताया तो था, निकाह के लिए गवाहों की जरूरत होती है, मौलवी साहब है साहब। तुम अंदर जाओ ना। मगर नजीब। अरे सुनता हूँ आके तुम्हारी बात भी, पहले उन्हें अंदर तो बिठा लेने दो, काफी देर से बाहर खड़े हैं। तुम चलो, जाओ जाओ जाओ। आप लोग यहाँ तशरीफ रखिए, मैं अभी हाजिर हुआ। बेटा निकाह किसका है? अगर तफसीलात मालूम हो जाती तो आपके आने तक मैं फॉर्म फिल कर लेता। मौलवी साहब मेरा निकाह पढ़ा। निकाह आपका है? क्यों, आपको कोई एतराज है क्या? नहीं, कोई एतराज नहीं, लेकिन यहाँ कोई निकाह वाला माहौल नजर नहीं आ रहा। देखें, कोई जबरदस्ती वाला मसला तो नहीं है? मैं ऐसे निकाह नहीं पढ़ाता। अरे नहीं मौलवी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तशरीफ रखिए, कुछ देर में माहौल भी नजर आने लगेगा। आप बैठिए ना, बैठिए प्लीज। फहमीदा, मैंने तुम्हें कहा था कि शादी वाले कपड़े पहन लेना। अगर मौलवी साहब निकाह की इजाजत लेने आएंगे तो उन्हें यह ना लगे कि मैं तुमसे जबरदस्ती निकाह कर रहा हूं। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। क्या? देखो इन बातों का वक्त नहीं है, मैं सारा इंतजाम करके आया हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपकी बात के बारे में सोचा, शायद आपकी बात सही हो कि निकाह करने से मेरे कुछ मसाइल हल हो जाए, लेकिन मैं निकाह नहीं कर सकती जी। खुदा के पास थे, मैं इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। आप इन लोगों को लेकर चले जाए, मेरी बेटियां सो रही, मैं उठ गई तो मेरे को कैसे संभालूंगी, कैसे समझाऊंगी, मैं उनका सामना नहीं कर सकूंगी। देखो फहमीदा, मैं सारी कश्तियां जला कर आया हूं तुम्हारे पास, जानती हूँ अमजद का वलीमा छोड़कर आया हूं तुम्हारे से निकाह करने। देखो अभी हम निकाह कर लेते हैं, बाद में तुम अपनी बेटियों को समझा लेना। देखो जितना वक्त लेना चाहो ले लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन अभी मैं निकाह किए बगैर नहीं जाऊंगा। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं दो जवान बेटियों की माँ हूँ, उनकी उम्र है शादियां करने की, मैं उन्हें छोड़ के खुद दुल्हन बन के बैठ जाऊं, कैसे समझाऊंगी मैं उन्हें? फहमीदा तुम फिक्र क्यों कर रही हो, निकाह के बाद तुम अकेली थोड़ी रहोगी, मैं भी होऊंगा तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलके उन्हें समझा लेंगे, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी शादियां तय करेंगे, उनकी सारी महरूमियां इसी तरह खत्म होगी। नहीं, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती, मैं पहले ही आपकी हमदर्दियों की बहुत बड़ी कीमत चुका रही, मजीद बोझ नहीं उठा सकती। प्लीज प्लीज आप यहाँ से चले जाए नजीब, प्लीज। देखें बुला लीजिए उनको, काफी देर हो गई है। और ये सब बस थोड़ा सा इंतजार और कर लें, बस वो आते ही होंगे। ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मुझसे शादी नहीं करना चाहती, बेशक मत करो, लेकिन मेरी इज्जत की खातिर अभी मुझसे निकाह कर लो, चाहे झूठ मूठ का ही सही। फहमीदा तुम समझ रही हो ना, मेरे साथ मेरे दोस्त आए हैं निकाह के लिए, अगर इस वक्त निकाह ना हुआ तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। देखो अभी तुम मेरे साथ चलो, सिर्फ 10 मिनट का काम है, उसके बाद जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? झूठ मूठ का कोई निकाह नहीं होता है। चलो झूठ मूठ का ना सही, लेकिन मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए दिखावे का ही निकाह कर लो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें फौरन तलाक दे दूंगा, हमारा निकाह कहीं रजिस्टर भी नहीं होगा, ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। चलो आओ मेरे साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बस तुम चुप रहना, चलो आओ मेरे साथ। छोड़े चुप करके आ जाओ, वरना मेरी बेइज्जती तो होगी, तुम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। देखो सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम चलो आओ मेरे साथ।
प्लीज। आ जाओ फहमीदा। फहमीदा आओ। जी मौलवी साहब, खातून का कोई वली कोई बड़ा नहीं है? जी है ना, ये सब देखिए गवाह मौजूद है, आप निकाह शुरू कीजिए। बेटा आपकी तरफ से इजाजत है मैं निकाह पढ़ाऊं? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मौलवी साहब अगर इनकी मर्जी ना होती तो वो यहाँ के बैठती, आप शुरू कीजिए ना। ठीक है। क्या हुआ दुर्दाना? मैं अम्मी के पास जा रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। नहीं इतना परेशान मत हो, देखो सिर्फ ख्वाब था ना। हाँ और वैसे भी हमारी जिंदगियों से ज्यादा भयानक ख्वाब कोई नहीं हो सकता। सोचो ऐसी अम्मी को परेशान करूँगी। पानी पियोगी? नहीं। सो जाओ। आओ लेटो। डर लगे तो मुझे बताना। फहमीदा वल्द मोहम्मद अशरफ, आपका निकाह नजीब अहमद वल्द सगीर अहमद के साथ बाइवस हक महर 5 लाख रुपए सिक्का वाजिल वक्त किया जाता है, आपको कबूल है? जवाब दो ना फहमीदा, बोलो कि कबूल है। फहमीदा वल्द मोहम्मद अशरफ, क्या आपको ये निकाह कबूल है? लोग इत्मीनान से बैठिए, मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। ये क्या किया तुमने? मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया, क्या सोच रहे होंगे लोग मेरे बारे में? बोलो जवाब दो। तुम्हें जब जरूरत पड़ी मैं तुम्हारी मदद के लिए आया, तुम्हारी वजह से अपनी बीवी बेटे को नाराज किया, उन्हें नजरअंदाज किया, और तुमने जब इनकार नहीं करना था इतने महीनों तक क्यों झूठी उम्मीद दिलाती रही? पहली बार नहीं इनकार क्यों नहीं किया तुमने? मैंने इनकार किया, मैंने बार बार इनकार किया, मगर आप मेरी बात समझे ही नहीं। नहीं फहमीदा, तुम हमेशा मेरे जज्बात के साथ खेलती रही हो, खामोश रहकर तुमने हमेशा अपनी रजामंदी का इशारा दिया मुझे गलत फहमी में मुब्तला रखा तुमने, और तुम अच्छी तरह जानती थी कि तुम्हें मैं तुम्हारी शादी से पहले ही पसंद करता था, फिर भी तुमने मुझे नजरअंदाज नहीं किया। अब जब पानी सर से गुजर गया, मैंने अपने ऊपर सारे दरवाजे बंद कर लिए, और तुम कह रही हो कि तुम मुझसे निकाह नहीं कर सकते। अगर ये निकाह नहीं हुआ तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा।
आपकी मजबूरियां मेरी मजबूरियों से बढ़ के नहीं, मुझे छोड़ दे खुदा के वास्ते। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें छोड़ना मेरे बस में नहीं है। 15 साल हो गए अख्तर को मरे, और 15 सालों से हर दिन हर रात मैंने तुम्हें हासिल करने की उम्मीद में गुजारा, और आज ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। अच्छा नहीं कर, चले चले खुदा के लिए चले चले। क्या हो गया फहमीदा, तुम इतनी संदिल क्यों बन रही हो? जरा एक मिनट तुम मेरी जगह आकर सोचो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि क्या खोया है मैंने तुम्हें पाने के लिए। मेरे जज्बात का क्यों ख्याल नहीं कर रही हो? क्यों मजबूर कर रही हो मुझे हद से गुजर जाने पर? आपके जज्बात, मुझे पता होता ना कि आपके ऐसे जज्बात हैं मेरे लिए, तो मैं आपको कभी अपने घर में कदम तक न रखने देती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने भरोसा किया, मैं समझती नहीं आप मेरे रिश्तेदार हैं, कमजोरती है मुझसे, मुझसे गलती हो गई, गलती में। ऐसा बोलो, लोग बैठे हैं भाई, उनसे जाकर पूछें निकाह पढ़वाना है कि नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जी बेहतर, मैं पता करता हूँ। नहीं जाऊंगा मैं यहां से, फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम मुझसे निकाह करोगी? जाने दे मुझे। मत बोलो, खामोश, यहीं खड़े रहो। क्या हुआ नजीब, भाई खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत ही है। तुम ऐसा करो, तुम उन सबको लेकर ना यहाँ से चले जाओ। क्या मतलब है भाई, निकाह नहीं करना क्या? बाद में बात करेंगे ना, तुम अभी इनको लेके चले जाओ। ओके ओके ओके। मौलवी साहब, आज निकाह नहीं हो सकता। क्या? प्लीज आप लोग आइए मेरे साथ। दरवाजा खोलो फहमीदा, फहमीदा दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं, एक बार मुझसे बात तो करो प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? फहमीदा दरवाजा खोलो मैं कह रहा हूं। फहमीदा ये दरवाजा खोलो मैं कह रहा हूं। फहमीदा ये तुमने अच्छा नहीं किया। फहमीदा देख लूंगा मैं तुम्हें। दरवाजा खोले अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले, अम्मी क-
क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है, आप इतनी खौफजदा क्यों हैं? क्या हुआ है अम्मी, इतनी खौफजदा क्यों हैं? आप बताएं ना मुझे। नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम जाके अपने कमरे में सो जाओ। मुझे लगा कि जोर जोर से कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई आया था? नहीं कोई नहीं आया। तुम, मैंने कुछ कहा ना, जाके सो जाओ। अम्मी आप ठीक तो है ना? आप मुझे ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ है बताएं ना प्लीज। कुछ नहीं हुआ है, तुम जाके सो जाओ। अल्लाह बख्शे अगर आज अख्तर जिंदा हो तो तेरे चेहरे पर किसी गैर मर्द की निगाह भी न पड़ने देता। और फिर तेरे जैसी हसीन और नौजवान औरत के लिए तो ये जमाना कभी भी ठीक नहीं रहा। लोगों को देखभाल कर, क्योंकि लोग बनावट करते हैं, होते कुछ हैं, नजर कुछ आते हैं, इसे तो बहुत मोहतात रहना है। ये बात तो मुझे आप बता रही हो आपा। चलो उठो चलें, देखता हूँ कैसे करता है वो निकाह उसके साथ। नहीं ज़ुल्कर्नैन, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है आपा? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये मसला मुझे हल करने दो, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। बड़ा यकीन था तुमको कि ये नौबत ही नहीं आने दोगी। आपा आपको क्या हो गया, क्यों हार मान के बैठ गई आप? ये कोई मामूली बात तो नहीं है। रहने दो रुकैया, गैर मामूली बातें भी कुछ अरसे के बाद मामूली लगने लगती, और ये तो है ही मामूली बात। नजीब अहमद इस काबिल नहीं है कि मैं फहमीदा के पास जाके उसकी मिन्नतें करूं। तुम ज़रा सोचो तो सही, अगर मेरे कहने पे फहमीदा नजीब अहमद के साथ अपना निकाह मुअख्खर कर भी देती है तो फहमीदा का कितना बड़ा एहसान आ जाएगा मेरे सर पर। अब नजीब अहमद के लिए मैं फहमीदा का कोई एहसान नहीं ले सकती। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही आपा। तुम क्यों भूल रही हो, नजीब अहमद तुम्हारा शौहर है। शौहर ही तो है ना, अब शौहर के लिए मैं अपनी सबसे बड़ी दुश्मन के पैर पड़ जाऊँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं ज़ुल्कर्नैन, नहीं, मुझे फहमीदा के सामने इतना छोटा मत करो। वैसे भी एक तरीके से अच्छा ही है, नजीब अहमद से निकाह करके वो फहमीदा अख्तर से फहमीदा नजीब अहमद बन जाएगी। कम से कम अख्तर का नाम तो उसके नाम से अलग होगा। उसके नाम के साथ अख्तर का नाम मुझे ज़्यादा चुभता है। आप जज्बात में आकर बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कल को आपको पछताना पड़े। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, सोच लें। वक्त तो कब का गुजर चुका है। खैर तुम दोनों अब परेशान ना हो, चलो अपने घर जाओ, तुम लोग बहुत रात होगी। नहीं आपा, आपको अकेला छोड़कर हम नहीं जाएंगे। अरे रुकैया क्या हो गया है, क्यों तमाशा लगाना चाहते हो तुम लोग? बच्चों को ये बात अभी तक नहीं पता, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि उनको पता चले। चलो जाओ, मुझे अब बहुत नींद आ रही है। आपा तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम अगर नजीब अहमद को छोड़कर हमारे साथ चलना चाहो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारी इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं आएगी। तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे बता। ठीक, चलो ठीक है। जब मैंने उन दोनों को देखा था ना, मुझे उसी वक्त रोक लेना चाहिए। आप तो खुद को ऐसे कोस रहे हैं जैसे सारी गलती आपकी है। आपके रोकने से भला रुक जाते वो? पता नहीं कब से उनके दरमियान ये खिचड़ी पक रही थी। मुझे तो लगता है फहमीदा के घर का सारा खर्चा भी नजीब भाई ने उठाया हुआ था, वरना किसी कोठी में खाना बनाने के इतने पैसे कहाँ मिलते हैं? और अब तो काफी अरसे से वो नौकरी भी नहीं कर रही थी। वैसे जो भी हो रुकैया, मैं इन दोनों को तलाक करवा के रहूंगा। ज्यादा दिन इनको इकट्ठे नहीं रहने दूंगा मैं, देख लेना तुम। आप नजीब भाई के मामले से दूर ही रहें तो अच्छा।
क्यों? भाई आपा का मुझे ख्याल है, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ। आप शायद भूल रहे हैं, अब हमारी बेटी है उनके घर पे। मैं नहीं चाहती हमारी किसी भी बात से उसके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। और जब आपा को कोई एतराज नहीं है तो हमें क्या जरूरत है किसी की लड़ाई में सींग फंसाने की? तुम्हें क्या लगता है आपा को कोई एतराज नहीं है? आपने देखा नहीं था कितने आराम से बैठी थी वो वहां? अगर आपा चाहती तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती थी, मगर वो तो खामोश बैठी थी वहां पे। आपा की खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखाना। खैर जहां तक मुझे लगता है कि वो आपा को शायद नजीम अहमद को कुछ कहें या ना कहें, लेकिन फहमीदा का मुंह जरूर काला करेंगी। शुक्र है फहमीदा की असलियत का आपको भी पता चल गया, वरना आप भी बड़े खैर खा थे उसके। अब तो सामने देख के गाड़ी चलाए ना। आज निकाह नहीं किया मैंने, मेरा दोस्त है ना कमर दुबई में रहता है, उसका फ़ोन आ गया था। उसके बेटे की तबीयत ख़राब थी तो कहने लगा कि घर में कोई मर्द नहीं है, तो मैं चला गया उसको हॉस्पिटल लेकर। अभी हॉस्पिटल से सीधा आ रहा हूँ, मैंने सोचा निकाह तो फिर भी हो जाएगा, इस वक्त बच्चे की जान बचाना बहुत ज़रूरी है। तबीयत कैसी है अब? काफ़ी तेज़ बुखार था, अच्छा हुआ वक्त पे हॉस्पिटल ले गए, अब बेहतर है। मैं उसकी नहीं तुम्हारी तबीयत का पूछ रही हूँ नजीब अहमद। पिछली मरतबा भी जब फहमीदा से तुम्हारा निकाह मुअख्खर हुआ था तो उसके ठीक अगले रोज़ तुम्हें बुखार हो गया था, याद है नजीब अहमद? कितनी इतमादारी की थी तुम्हारी, कितने नखरे उठाए थे। इस बार मुझसे ऐसी कोई उम्मीद ना रखना। तुम अदाकार बहुत अच्छे हो नजीब अहमद, मगर तुम्हें कहानी बनाना नहीं आती। जो शख्स अपने निकाह के लिए अपने बेटे का वलीमा कुर्बान कर दे, वो किसी दूसरे के बेटे के लिए अपना निकाह कैसे कुर्बान कर सकता है? मैं जानती हूँ उसने आज भी दरवाज़ा तुम्हारे मुँह पर दे मारा हो। तुम आज भी नहीं समझे ना नजीब अहमद, फहमीदा जैसी औरतें किसी एक से निकाह करके अपना मजलूमियत का कारोबार बंद नहीं कर सकती। उसने तुम्हें सिर्फ होटलों में खाना खिलाने के लिए रखा हुआ था, इससे ज़्यादा उसकी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। तुम्हारी ये गलत फहमी मैं बहुत जल्द दूर कर दूँगा, तुम्हें उससे निकाह करके दिखाऊँगा, देख लेना तुम। अब तो निकाह करके ही बताना मुझे नजीब अहमद, जाओ अब जाके सो जाओ। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया फहमीदा,
मुझे जिस तरह जलील करके आज तुमने घर से निकाला है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पहले तो तुम्हें हासिल करने की सिर्फ ख्वाहिश थी मुझे, मगर अब तुम मेरी जिद हो। तुम्हें मेरे सामने झुकना होगा।